टॉलरेंस। तो हम लोग एक अभी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है और इस पर काम करेंगे, देखते हैं कितना परसेंट काम करता है और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन बाई किए हुए हैं और इसमें अभी देखिए हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए ग्राफ, देखिए अभी 1000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है और हम लोग सी लिए हुए हैं और हम लोग कब लिए हैं आप देख सकते हैं मार्केट। तो फिर तो बात करते हैं कि हमने ये क्यों लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टारगेट समथिंग 2500 का टारगेट हमारा रहेगा और स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, स्टॉप लॉस मात्र 700 रहेगा और टारगेट 2500 रहेगा। तो देखिए अभी काफ़ी नज़दीक जा पहुँचा है टारगेट के, तो देखते हैं फ्रेंड्स होता क्या है। और जहाँ तक स्ट्रेटजी कह रही है कि टारगेट अचीव हो जाएगा, और देखो आपको सबसे पहले आपको कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आपकी इमोशन पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। अभी 38700 का सी अपन खरीदे हुए हैं और इसमें अभी समथिंग 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो जाएगा फ्रेंड्स ऊपर जाएगा, 100% ऊपर जाएगा। और जो आप अपना खुद का इसमें स्ट्रेटजी बनाओ, आप कहीं भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम या फिर यूट्यूब से आप अगर हेल्प लेते हो तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आपको सबसे पहले इसमें टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कुछ पैसे गंवाने पड़ेंगे आपको, तभी जाए मार्केट आपसे कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेगा। जो आप लॉस करोगे वो मार्केट आपको उसके बदले में सिखाएगा, आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। तो आपको लॉस से घबराना नहीं है, भागना नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कितना का समथिंग 1200 के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, 1700। तो देखिए अपना टारगेट 2500 है फ्रेंड्स। आपको मैं शेयर करूंगा आगे आने वाले वीडियो में कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है और आपको काम कैसे करना चाहिए इसमें। तो फिलहाल आपको मैं ये लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ, लाइव प्रॉफिट आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर आप इस प्रकार का स्ट्रेटेजी और आप सीखना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल देखिए हम लोग मतलब एग्जिट करने के लिए पूरा प्लान बना चुके हैं, अपना टारगेट अचीव होगा और अपन मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी रिवर्स कर सकता है मार्केट, जो है साइडवे ही है। और वैसे भी आज मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, तो थोड़ा पेशेंस रखकर काम करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस तो अब काफ़ी दूर चला गया है, उसको हिट नहीं कर पाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे इसको अगर क्रॉस करता है तो इससे और भी ज़्यादा प्रॉफिट अपने को मिल सकता है। देखते हैं मार्केट में, वेट करते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्रॉस करने वाला और हमारा प्रॉफिट जो हो गया 2400 के समथिंग हो चुका है। अभी देखते हैं, अभी इरादा नहीं है मार्केट से बाहर निकलने का, अभी वेट करेंगे जरा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल दिखा सकते हैं मार्केट, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखना जरूरी होता है जब आप ट्रेड करते हो, तो क्योंकि दोनों साथ में चलता है। अगर देखो आप निफ्टी बता रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए मार्केट, क्योंकि ऊपर का जो बटन है ये बैंक निफ्टी तो ओवर क्रॉस कर चुका है, पर निफ्टी अभी कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर तो जाएगी मार्केट। आप एक बात याद रखना, ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसमें खुद अगर आप करना चाहते हो, खुद का स्ट्रेटजी बनाओ आप, और तब आप ट्रेड करो, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रांग हो, और पेशेंस भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं घबरा जाते हैं, सोचते हैं अरे मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, नहीं, मार्केट का ये नियम है कि वो थोड़ा सा अगर अप जाना है ना तो थोड़ा सा डाउन जाएगा फिर अप जाएगा, थोड़ा डाउन फिर अप, ऐसे जाता है, एकदम से मार्केट ऊपर नहीं चला जाता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको इसमें घबराना नहीं है, आपका इंटेंशन आपका रूल जो भी सही है तो फिर आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स समथिंग 2500 के प्रॉफिट अभी हो रहे हैं, तो इससे बाहर निकल जाते हैं। फिलहाल अपना टारगेट अचीव हो गया। आपको अगर टारगेट जो भी आप बनाया वो अचीव हो जाए तो आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। देखिए मैंने मोबाइल से इसको एग्जिट कर दिया, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।